आप बड़ी देर से सोच रहा हूं कि आपको हित चिंतक कहूं या हित शत्रु। आज अचानक आप विकल्पों की भाषा बोलने लगे। अभी अभी कौशल नरेश राजा प्रसन्न जीत को विदा करके आया हूं, बड़े अपमानित लग रहे थे। चलो अच्छा हुआ, जो समझाना था समझ गए। वैसे आप चाहते क्या हैं मछले राजा? जो मैं चाहता था वो तो हुआ नहीं, परंतु जो लोग चाहते हैं वो मैं होने नहीं दूंगा। खूब समझता हूं मैं आपकी कूटनीति को। पहले अश्वमेघ के घोड़े को रथ में बांधना, फिर कौशल नरेश प्रसन्न जीत को मेहमानों का स्वागत करने को कहना, और संघ सभा में महाराज शुद्धोधन के विरुद्ध राजाओं को उकसाना। आप महाराज के मित्रों को शत्रु बना रहे हैं। आप भी चौकन्ने रहे राजा थंडपानी, आप भी तो महाराज के मित्र होने का दावा करते हैं, परंतु आपको शत्रु प्रमाणित करने में देरी ना होगी। आप कहना क्या चाहते हैं? सांप की भांति आपके दांत नुकीले तो नहीं, परंतु विष तो उनमें भी भरा है। असत्य बोल के आपने भी युद्ध में अपनी सेना नहीं भेजी थी। राजा द्रोणोदन, क्रोधित ना हो राजा दंडपानी, वस्त्र के नीचे सभी नग्न होते हैं। आपकी दृष्टि भी शाक्य सिंहासन पर है और मेरी भी। कहा ना, वस्त्र के नीचे सभी नग्न होते हैं। राजा दंडपानी, कुछ और दिनों के लिए रुक जाइए, वैसे भी संघ सभा में आपको उपस्थित होना ही है। महाराज सत्य कह रहे हैं राजा दंडपानी, मत प्रदर्शन जो है तो आपको तो आना ही पड़ेगा। आपका मत हमारे लिए बहुमूल्य है। अमिता दीदी, आप भी अकेले देवदा जाके क्या करेंगे? यशोधरा भी यही है और भैया भी संघ सभा के लिए रुक रहे हैं, आप भी रुक जाओ ना। हाँ माँ, थोड़े दिन और रुक जाओ ना, शाक्य सभा के बाद चले जाना। वैसे पुत्री के ससुराल ठहरते नहीं है, परंतु ये तो आपका मायका भी है, रह भी लोगी तो बुरा नहीं लगेगा। ठीक है, ये तो मेरा मायका है ही, पर अब ये तुम्हारा ससुराल है तो बताओ गोपा, कैसे रोकोगी मुझे? हाँ हाँ अमिता दीदी, अब एक रिश्ते में तुम्हारी बुआ सास भी हूँ, बताओ कैसे रोकोगी? अमिता बुआ जी, आपसे विनती है, जब आप इतने दिनों बाद विवाह में आई हैं, तो कुछ दिन और रुक जाओ, जिससे इस नई वधू को आपकी सेवा का अवसर मिले। अब आप इतना आग्रह कर रही हैं नई वधू, तो हम रुक जाते हैं। देख लो, बस कहने की देर थी ना, हमने इतना कहा हमारी एक नहीं सुनी, पुत्री के कहते ही चरण रुक गए। यह इस समय कौन आया है? कमु का देखो कौन आया। जी महाराज। प्रणाम महाराज। मोहिनी, इस समय कहो क्या बात है?
क्षमा करें महाराज, जो इस समय आना पड़ा। विवाह के पश्चात राजमहल से सारी गणिकाएं रंगमहल में आ चुकी हैं, परंतु महाराज कंचनी अभी तक नहीं लौटी। हमने उसे हर जगह ढूंढने की कोशिश की, परंतु वो कहीं नहीं मिली। क्या किसी ने कंचनी को राजमहल में कहीं देखा है? नहीं महाराज। जी महाराज, मेहंदी की रात को मैंने कंचनी को राजकुमारी यशोधरा के कक्ष से बाहर आते देखा था। हाँ, वो मुझसे मिली थी। तुम्हारा संदेश मिलने पर, जब मैं तुमसे तालाब पर मिलने जा रही थी, तब कंचनी ने ही मुझे रोका था कि युवराज कुमारों के साथ चौंसर खेल रहे हैं और हल्दी के पश्चात महल से बाहर जाना मना है। पर मैंने तो तुम्हें तालाब पर बुलाया नहीं था। तो फिर कामुका ने मुझसे ये क्यों कहा कि आपने मुझे तालाब पर मिलने बुलाया है? पर पिताजी, मैंने तो कामुका से ऐसा कुछ नहीं कहा। कामुका, क्या तुमने ये संदेश यशोधरा को दिया था? हाँ महाराज। किसके कहने पर दिया था? बताओ कामुका, किसके कहने पर किया तुमने ऐसा? बताओ। कंचनी, कंचनी के कहने पे। तुम कैसे जानते हो? जब कंचनी कामुका को संदेश देने का काम सौंप रही थी, उस समय मैं वहां उपस्थित था। कंचनी मेरी सेवा में थी। हाँ। पर ज्येष्ठ, ऐसा झूठा संदेश कंचनी ने कामुका को क्यों दिया? ये मैं कैसे जान सकता हूं महाराज। उस दिन भी उसी ने मुझे रोका था और मेरी चुनर धुलवाने की बात कहकर वो उसे अपने साथ ले गई थी। पर उसने ऐसा क्यों किया? अब इस प्रश्न का उत्तर तो कंचनी ही दे सकती है ना। अनुज, सेनापति से कहो कि रंग महल की गणिका कंचनी को हमारे सामने उपस्थित करें। अवश्य भाई महाराज। आप चिंता ना करें मोहिनी देवी, कंचनी कहाँ है और उसने ऐसा क्यों किया, इस प्रश्न का उत्तर हम जल्दी ही ढूंढ लेंगे। जी प्रणाम महाराज। युवराज, अब इन प्रश्नों के उत्तर तो कंचनी की राख से पूछना। जीवन में कुछ प्रश्न निरुत्तर होते हैं सिद्धार्थ, निरुत्तर। और अब कंचनी भी इनमें से एक प्रश्न है। चांद देख रहे हो? नहीं। तो सितारों से बात कर रहे होगे? नहीं। फिर तो अवश्य उल्लू से ही बात कर रहे होगे? नहीं काकी माँ। तो फिर इस समय यहाँ अकेले क्या कर रहे हो युवराज? काकाश्री, जब से मोहिनी देवी ने मुझसे कंचनी की बात की,
तब से मुझे उसकी चिंता हो रही है। मन में एक के बाद एक जैसे प्रश्नों की माला बनती जा रही है कि कहां होगी वो, कैसी होगी वो, और उसने गोपा को कामुका के द्वारा ये संदेश क्यों भेजा कि मैंने उसे तालाब पर बुलाया और फिर स्वयं ही जाकर उसे रोका। तुम व्यर्थ चिंतित हो रहे हो सिद्धार्थ, सैनिक उसे ढूंढ रहे हैं, मिलने पर सारे प्रश्नों के उत्तर मिल ही जाएंगे। वैसे भी कोई स्त्री गणिका का जीवन नहीं जीना चाहती, जब भी किसी को कोई योग्य साथी मिल जाता है तो वो उस अवसर को जाने नहीं देती, चली जाती है। कदाचित उर्मिला की तरह उसे भी कोई मिल गया हो। तथास्तु, यदि ऐसा हुआ है तो मुझे बहुत आनंद होगा। तुम बहुत भावुक हो सिद्धार्थ, जो एक गणिका के लिए इतनी चिंता कर रहे हो। नहीं होता, किसी को पता नहीं होता कि वो जीवित है या। और रात्रि के इस प्रहर तो वर को वधू के पास होना चाहिए। नए सपने सजाए यशोधरा तुम्हारी प्रतीक्षा कर रही होगी और तुम यहाँ अंधेरे में कंचनी को ढूंढ रहे हो। विवाह के दूसरे दिन कोई अपनी भारिया को इस तरह अकेला छोड़ता है भला? नहीं ना सिद्धार्थ, तुम्हारा प्रथम कर्तव्य यशोधरा को खुश रखना है। जी काकी। और हाँ, वहां जाकर अपने प्रश्नों के बाण मत चलाना, हो सके तो प्रेम के फूल बरसाना। हाँ काकी। राजकुमारी यशोधरा, युवराज सिद्धार्थ पधार रहे हैं। कब से तुम्हारी प्रतीक्षा कर रही हूँ। क्यों? तुमने जो उपहार दिया था वो ही तुम्हें दिखाना है। मैंने तुम्हें कौन सा उपहार दिया गोपा? नहीं दिया तो कोई बात नहीं, पर तुम तो जानते हो ना कि ये गोपा अपना उपहार अपने आप ही ले लेती है। याद है ना पिछली बार बांसुरी ली थी? हाँ, और अब क्या चुराया तुमने? अब कहो तुमने इसमें रंग कब भरे? नहीं जानता गोपा, कदाचित तुम्हारी याद मुझे इस मूर्ति के पास ले गई होगी और अचानक मैंने रंग भर दिया होगा। तुम्हारी प्रेम की ये रीत मुझे बहुत पसंद आई, बस इसमें एक कमी रह गई है। कौन सी? ढूंढो तो मानू। देखो ध्यान से, मान लो कि आज तुम्हारी दृष्टि की कसौटी है। इस मूर्ति में केवल तुम्हारी प्रेयसी दिखाई दे रही है, पत्नी नहीं। मांग में सिंदूर भरने का अर्थ स्त्री के जीवन को खुशियों से भर देना। ये सिंदूर हर दिन हर घड़ी स्त्री को विवाह के उस पल की याद दिलाता है जो उसके जीवन की सर्वोच्च घड़ी होती है। तुम दृष्टि की इस कसौटी में तीन हुए युवराज,
उत्तर दो देव। क्या एक ही प्रश्न तुमसे बार बार पूछना पड़ेगा? मैंने कहा उत्तर दो देव। जब वो कंचनी की बात से अवगत नहीं है तो फिर आप क्यों उसे? तुम चुप रहो मंगला। जितना तुम इसे जानती हो उससे अधिक मैं इसे जानता हूं। आंखें बता रही इसकी। बोलो दे, उस कंचनी के कारण तुम पहले भी चर्चा में आ चुके हो। यदि इस बार भी तुमने कुछ किया और प्रत्यक्ष आ गई तो? नहीं आ सकती। नहीं आ सकती अर्थात? प्रत्यक्ष वो आते हैं जो जीवित होते हैं। मार दिया मैंने उसे। क्यों मारा तुमने उसे? बताओ क्यों मारा तुमने उसे? क्योंकि यशोधरा की जगह वो आ गई थी। यशोधरा, कहना क्या चाहते हो तुम? क्या करने जा रहे थे तुम यशोधरा के साथ? देवदास, उसका अपहरण? यदि महाराज को इस बात का पता चल गया तो हम सबको राख बना देंगे, देश निकाला दे देंगे कपिलवस्तु से। क्या हो गया है तुम्हें? युद्ध में जब अवसर था तब तो निशाना नहीं चूका तुम्हारा, वही मार दिया होता ना उसे। मुकुट पर तीर चलाने की क्या आवश्यकता थी? क्या हो जाता यदि सिद्धार्थ को मार देता तो? हाँ, क्या हो जाता? युद्ध हार जाते, प्रसन्नजीत हमें बंदी बना लेता, सिंहासन तो हाथ से जाता ही, साथ में यशोधरा भी। और यदि कार्निक खेल नहीं बिगाड़ता तो मैं यशोधरा से गंधर्व विवाह करके ही लड़ता। सिद्धार्थ अपनी मृत्यु अपने आप मर जाता। मर जाता? अपने भाग्य में अमरता लिखवा कर आया है वो। क्या कुछ नहीं किया, फूलों में बिच्छू छिपाए, बच गया। सुहाग के सेज पर बिच्छू बिछाए फिर बच गया। इतने वर्षों से आप दोनों केवल प्रयत्न ही तो करते आए हैं, किंतु परिणाम क्या? केवल अंधकार और कुछ नहीं। पर उसी अंधकार में एक मार्ग दिख रहा है। कैसा मार्ग? सन्यास का मार्ग। तुम्हें याद है आर्या, असित मुनि की वाणी सुनकर मैंने क्या कहा था? सिद्धार्थ के जन्मदिन पर मैं उसे भेंट में कमंडल दूंगी। अब वो समय आ गया है आर्या। साधु संत सन्यासी दुख दया माया पीड़ा वैराग्य और फिर वानप्रस्थ। तुम कहना क्या चाह रही हो? यही कि सिद्धार्थ के पास बस दो मार्ग हैं, या तो जग से जाए या फिर वन में जाए। जग से नहीं जाता तो वन में जाए। देखते जाओ आर्य, अब सिद्धार्थ को मैं कैसे भगवा पहनाती हूं। ये देखो सिद्धार्थ, ये है 7 खंडिया आवास, ये है 9 खंडिया आवास और ये 12 खंडिया आवास। ये तुम दोनों के लिए, ताकि तुम हर ऋतु में वैवाहिक जीवन का आनंद ले सको। परंतु इन सब की क्या आवश्यकता थी पिताजी? आवश्यकता है पुत्र, नई गृहस्थी में एक दूसरे को समझने के लिए अवकाश चाहिए।
तो फिर पिताजी, मैं और गोपा इन आवासों से दूर ऐसे शांत स्थान पर जाना चाहेंगे जहां प्रकृति का आवास हो, जो निसर्ग के समीप। जैसे तुम चाहो। एक उपहार आपने अपने पुत्र को दिया, तो अब एक उपहार मैं भी अपनी बहू को देना चाहती हूँ। अवश्य अवश्य। लौशिका, ये क्या है माँ? ये सूत्र कुलगुरु ने तुम्हें पुत्र रत्न प्राप्ति के लिए दिया है। इसे विवाहिता की बाई हाथ की कलाई में बांधा जाता है। कहते हैं जिस दिन संतान का आगमन संभव हो जाता है, ये सूत्र अपने आप छूट जाता है। माँ, क्या तुम सचमुच इन सब बातों पर विश्वास रखती हो? विश्वास एक परंपरा है सिद्धार्थ, और हमें उन नियमों का मान रखना चाहिए। परंतु समय के साथ उन्हें परिवर्तन होने चाहिए। क्षमा करें मां, पर कहते हैं हमारे पूर्वज जंगलों में रहते थे, निर्वस्त्र घूमते थे, पर हम सब तो वस्त्र पहनते हैं। वो पेड़ों और गुफाओं में सोते थे, हमने हमारे सोने के लिए आवास बनाए। वो शिकार करते थे, हम धान उगाते। परिवर्तन तो सब जगह, तो इन नियमों में क्यों नहीं? सिद्धार्थ, कुछ बातें ईश्वरीय होती हैं, उन्हें बदलना ठीक नहीं। यही तो प्रश्न है कि मैंने केवल ईश्वरीय बातें सुनी। इन बातों को कहते हैं ईश्वर को तो किसी ने नहीं सुना। भाई महाराज, संघ सभा का समय हो गया है। अनुज, चलो सदा। आज संघ सभा में हम पर कई प्रश्नों के तीर चलाए जाएंगे, और उन सभी प्रश्नों के उत्तर हमारे पास हैं पिताजी। यदि हमारे निष्ठा पर कोई प्रश्न करे तो तुम्हें शांत रहने की कोई आवश्यकता नहीं। चाहे मतदान पर उसका जो भी प्रभाव पड़े, आप निश्चिंत रहें, हमारी प्रमाणिकता ही हमारी शक्ति है पिताजी। सत्य हमारे पक्ष में, संपूर्ण शाक्य संघ मिलकर भी उस सत्य को झुठला नहीं सकता। संघ की पिछली सभा जो युवराज के विवाह के कारण स्थगित कर दी गई थी, उसके कुछ अधूरे प्रश्नों पर विचार होंगे और फिर से मतदान होगा। युद्ध में लिए गए निर्णय पर उठाए गए प्रश्नों का उत्तर महाराज शुद्धोदन और युवराज सिद्धार्थ को देने होंगे। भाई महाराज, आप प्रश्नों के उत्तर हमें देने, तो अध्यक्ष के स्थान पर बैठने का अधिकार हमारा कैसे हो सकता है? अनुज, मैं राजा शुद्धोदन चाक्य संघ से निवेदन करता हूं कि वो अपने प्रश्न करें। युवराज सिद्धार्थ, आप ही ने युद्ध की व्यूह रचना की थी, और आप ही ने बिना किसी से परामर्श लिए युद्ध रोकने का प्रयास भी किया। मैंने केवल प्रयास नहीं किया, युद्ध को रोका है। जहां तक प्रश्न व्यूह रचना का है, वो मेरी शिक्षा का प्रमाण था। युद्ध रोकना मेरी भावनाओं की आवश्यकता थी, और मेरा मंतव्य है कि यदि मैं उस युद्ध को ना रोकता तो दोनों देश के सैनिकों के प्राण जाते, और उस रक्तपात से किसी को कुछ प्राप्त नहीं होता। अपने शत्रु को पराजित करके उसे जीवित छोड़ दिया है। क्या ये राजनीति है? क्या कौशल नरेश पर विश्वास कर सकते हैं कि हम पर पुनः आक्रमण नहीं करेगा? आपके प्रश्न किसी आक्रमण से कम नहीं। प्रसन्नजीत पहले युद्ध में पराजित हुआ, उसके बाद हमारा मित्र बना। आप सब जानते हैं मित्रता शत्रुता की विरोधी है।
प्रसन्नजीत हम पर पुनः आक्रमण करने से पहले उस युद्ध के बारे में सोचेगा। यही तो खेद की बात है युवराज, सब आपकी तरह नहीं सोचते। अपमान का बदला लेने का प्रण लेकर गया है प्रसन्नजीत। जाते हुए कहकर गया है कि कपिल वस्तु को उध्वस्त कर दूंगा। भविष्य की गर्भ में क्या छिपा है ये कौन जानता है, ना आप ना मैं। तो फिर हम कल की चिंता क्यों करें? महाराज शुद्धोधन, कौशल से युद्ध के कारण कितनी प्राण हानि हुई है, सवारी और शस्त्र जुटाने में राजकोष खाली हो गया है, क्या आपको इसकी चिंता नहीं है महाराज? परंतु उस समय युद्ध हमारी प्राथमिकता थी। तो विजय के पश्चात आज तक आपने प्रसन्नजीत से युद्ध का खर्च क्यों नहीं लिया महाराज? शीघ्र ही लेंगे। तब जब प्रसन्नजीत हम पर पुनः आक्रमण कर देगा तब। हाँ हाँ बोलिए बोलिए। विवाह में प्रसन्नजीत को आमंत्रित कर आपने अपनी मनमानी की। युद्ध से पहले प्रसन्नजीत हमारा शत्रु था और युद्ध के पश्चात हमारा मित्र, और मित्र को विवाह में आमंत्रित करना हमारा कर्तव्य था। वाह युवराज, और युद्ध में जितने शाक्यों ने अपने प्राण दिए उनके प्रति आपका कोई कर्तव्य नहीं? केवल व्यर्थ बातें करने का कोई अर्थ नहीं। यदि आप शाक्य शूर वीरों के बलिदान को सम्मानित करना जानते हैं तो बताइए आप में से कौन है, कौन है जो उन घायल सैनिकों की पीड़ा पूछने गया? होठों की भाप से चूल्हे नहीं जलते, अपाहिजों का जीवन नहीं चलता, केवल आपकी जिह्वा चलती है। और ये बात मैंने पहले भी कही है और आज भी कहता हूं, युद्ध केवल रणभूमि में नहीं लड़े जाते, युद्ध पश्चात उन घायल सैनिकों के घरों में युद्ध लड़े जाते हैं। आप तो केवल इस तलवार का रक्त पहुंचकर अपनी विजय की गाथा का शौर्य गान करते हैं, लेकिन वो अपाहिज, वो निराधार अपना जीवन अंधेरे में व्यतीत करते हैं। कुछ सुध है आपको इस बात की? युद्ध हम भी नहीं चाहते, परंतु कोई हम पर आक्रमण करेगा तो तलवार म्यान से निकालनी ही पड़ती है। सुरक्षा के लिए, शांति के लिए, अपने देश की रक्षा के लिए। हाँ हाँ अवश्य। ये तलवार शांति नहीं देती, केवल रक्त बहाती है। ये सुरक्षा नहीं देती, मनुष्य में असुरक्षा की भावना को जगाती है। यदि आप अपने देश के लिए कुछ करना चाहते हैं तो युद्ध के बारे में मत सोचिए। युद्ध कभी निवंश नहीं होता, वो दूसरे युद्ध को जन्म देता है। युद्ध की कोख से शांति नहीं, केवल युद्ध पैदा होता है, केवल युद्ध पैदा होता है। आज मैं संघ से प्रार्थना करते हुए यही कहना चाहता हूं कि मैं हमेशा शांति का साथ दूंगा, चाहे युद्ध लड़ने वाले मेरे साथ हो या नहीं। यह संघ का अपमान है। हाँ हाँ यह अपमान है। पर युवराज की बातों में मनुष्यता के लिए सम्मान है। आप सब ने महाराज और युवराज के मंतव्य को जान लिया, अब अविश्वास के लिए मत प्रदर्शित होंगे। शाक्य संघ अध्यक्ष होने के नाते मत प्रदर्शन से पहले मैं संघ से कुछ निवेदन करना चाहता हूं। जो शाक्य राजा मेरे और सिद्धार्थ के पक्ष में हैं, वो अपनी तलवार मेरे दाहिने ओर रखें,
और जो हमें विरोध कर रहे हैं वो अपनी तलवारें मेरे भाइयों और रखें। यदि मतों में मैं पराजित रहा तो मैं अभी से यह मुकुट नहीं पहनूंगा, और यदि मैं जीत गया तो जिस राजा ने मेरे भाई और तलवार रखी है वो आज से मुकुट नहीं पहनेगा। चाक्य राजाओं से मेरी विनती है कि वो अपने मतों का प्रदर्शन करें। पहले आप विरोध में मत डालिए, फिर मैं जाऊंगा मजले राजा। अनुज द्रोणोदन, राजा दंडपाणि अब आप लोग क्या विचार कर रहे हैं? आपके सिवाय सबने सिद्धार्थ के पक्ष में मत प्रदर्शित किया है। अगर आप विरोध में करोगे तो आप ही बिना मुकुट के घूमोगे। यह सभा अब आपके लिए नहीं रुक सकती। मत प्रदर्शन यह प्रमाणित करता है महाराज कि सारा शाक्य संघ आपके साथ है और यह सभा युवराज सिद्धार्थ के साथ है। कोई विरोधी नहीं, अर्थात सब आपके और सिद्धार्थ के निर्णय के साथ हैं। महाराज शुद्धोदन की, 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 महाराज शुद्धोदन की। महाराज जी ये काढ़ा पीजिए। महाराज प्रसन्न जीत पधार रहे हैं। और लीजिए थोड़ा सा। आपने हमें बुलाया? वो कल की बात थी, तुम आ जा रहे हो। स्वास्थ्य ठीक ना हो तो मनुष्य को अधिक बोलना नहीं चाहिए। मेरा तो स्वास्थ्य ही ठीक नहीं, तुम्हारे तो विचार ही ठीक नहीं। एक बार पराजित हो चुके, पुनः शाक्यों से युद्ध आत्मघात होगा। अब जो युद्ध होगा वो हमारे आत्मसम्मान के लिए होगा, हमारे अपमान का प्रतिशोध होगा। मित्र बनाकर उन्होंने हमारी पीठ पर वार किया। प्रसन्नजीत, प्रतिशोध के लिए युद्ध करना मनुष्य की बुद्धिमानी नहीं है। तुम अच्छी तरह से जानते हो कि सिद्धार्थ के विवाह में सारे पड़ोसी राजा उपस्थित थे। हमें किसी राजा का भय नहीं, चाक्यों से युद्ध अटल है पिताजी। महाराज, महाराज, कपिल वस्तु स्वस्थ होके रहेगा। महाराज, महाराज, महाराज। आपके रोकने से युद्ध टलेगा नहीं। अग्नि संस्कार की तैयारियां करो। मंगल मंगल मंगल, केवल शुभ मंगल हो। क्या बात है काकी माँ, आप बड़ी प्रसन्न दिख रही हैं।
केवल मैं ही नहीं, सारा महल, पूरा राज्य सब खुश है। पूछे तो क्यों? क्योंकि युवराज तुम शीघ्र ही महाराज बनने वाले हो। अरे त्याज दो दासी, खुशियां मनाओ। आज शाक्य संघ के परिषद में किसी भी राजा ने तुम्हारे विरुद्ध मत नहीं दिया ना? हाँ काकी मां, ये घटना अपने आप में एक आश्चर्य है। खुशी का आश्चर्य पुत्र, खुशी का आश्चर्य। अब शीघ्र ही तुम्हारा राज अभिषेक हो जाएगा, परंतु उससे पहले क्या तुम अपने राज्य को देखना नहीं चाहोगे? देखना तो चाहता हूँ। अपनी प्रजा से मिलना नहीं चाहोगे? मिलना चाहता हूँ। तुम्हारी प्रजा तो तुमसे मिलने के लिए बहुत आतुर है, क्या तुम में उनसे मिलने की कोई चाह नहीं है? काकी माँ, पर पिताजी की आज्ञा का उल्लंघन नहीं कर सकता। हाँ, वो तो है। इधर आओ। ये मैं तुम्हारे लिए लाई हूं, अच्छा लगा? अरे रे, इसे मत खोलो, इसे बंद ही रहने दो, ये तो तुम्हारे लिए है ना? परंतु खोल कर नहीं देखूंगा तो मुझे पता कैसे चलेगा इसमें क्या है? वही तो मैं कह रही हूँ पुत्र, इतनी छोटी से डिब्बे को खोलने के लिए इतनी आतुरता, और इतने बड़े राज्य को देखने के लिए कोई आतुरता नहीं। महाराज तो उत्सव मनाकर, तुम्हारे सर मुकुट रखकर शीघ्र ही तुम्हें शाक्य राजाओं का महाराज घोषित कर देंगे। परंतु पुत्र, उससे पहले तुम्हें अपनी उस प्रजा को जानना चाहिए जिस पर तुम राज करने वाले हो। कदाचित मैंने कुछ अधिक कह दिया हो तो क्षमा करना पुत्र। नहीं काकी मां, आपने सत्य कहा। मुझे अपने राज्य में भ्रमण कर अपनी प्रजा से मिलना चाहिए। बधाई हो महादेवी, बधाई हो। गरीबों में अन्न बांटो, ब्राह्मणों को दान देकर खुश करो। आज तुम्हारे पुत्र ने शाक्य सभा में सभी राजाओं का वाक कर दिया। सब बस उसे सुनते रहे, उसके विचारों से प्रभावित होते रहे। किंतु हुआ क्या देव, विस्तार में कहिए। जानने के लिए केवल इतना है महादेवी कि आज शाक्य सभा में युवराज सिद्धार्थ के विरुद्ध एक भी मत नहीं पड़ा। अरे वाह, तो यहाँ भी मेरे पुत्र का यशोगान चल रहा है। मैं चाहता हूँ कि अब सिद्धार्थ ही राज का कारोबार संभाले, उसकी कार्य पद्धति को समझे जाने, ताकि मैं उसका राज्याभिषेक कर सकूं और राजपाट के बंधन से मुक्ति पा सकूं। राज्याभिषेक? परंतु आज ही तो आपने कहा था कि मैं और गोपा जहां जाना चाहे वहां जा सकते हैं। हाँ, मैं अब भी उस कथन पर कायम हूं। राज्याभिषेक बाद में होगा। बोलो कहां जाना चाहते हो? कपिलवस्तु की सीमाओं के बाहर। क्यों पुत्र? पिताजी,
मैं उन स्थानों पर जाना चाहता हूं जहां पर हमारा राज्य है, पर मैंने देखा नहीं। लोग अपने हैं, पर मैं उनसे मिला नहीं। मैं पूर्ण शाक्य गणतंत्र प्रदेश का भ्रमण करना चाहता हूं पिताजी। तुम्हें भ्रमण करने की क्या आवश्यकता है? द्रोणोदन, अमितोदन, देवदत्त हैं, वो तुम्हें राज्य की परिस्थिति से अवगत करते रहेंगे। परंतु पिताजी, मैं उन परिस्थितियों को स्वयं अपनी आंखों से देखना चाहता हूं। मैं तुम्हें अनुमति नहीं दे सकता पुत्र। कारण? मेरे पास कोई कारण नहीं। तो फिर मैं भी राज्य का कार्यभार नहीं संभाल सकता? अपना राज्य अभिषेक नहीं करवा सकता? सत्य कथा